महाराष्ट्र में सीएम पद पर बीजेपी शिवसेना में खींचतान शुरू। तो क्या महाराष्ट्र की सीएम कुर्सी पर लैंड करेगा आदित्य लैंडर? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना ने भले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया हो, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। इन सब के बीच शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को सीएम पद का प्रबल दावेदार बताना शुरू कर दिया है। यानी साफ है कि शिवसेना की नज़र महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर है। इन सब के बीच सीएम उम्मीदवार को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने कहा है कि भले ही चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया, लेकिन सीएम दफ्तर आदित्य ठाकरे जरूर पहुंचेंगे। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो सका, लेकिन हमें विश्वास है कि ये सूरज 21 अक्टूबर को मंत्रालय के 6वें फ्लोर यानी सीएम दफ्तर तक जरूर पहुंचेगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी नेता और प्रदेश के मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीएम की कुर्सी उन्होंने अपने लिए रिजर्व रखी हुई है। इन सब के बीच लंबी सियासी रस्साकशी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे की डील फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के खाते में 162 और शिवसेना के पास 126 सीटें आई हैं। हालांकि दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल सीटों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक संयुक्त बयान के जरिए सीटों के बंटवारे संबंधी समझौते की घोषणा करेंगे। बीजेपी शिवसेना के संयुक्त बयान में कहा गया है कि पिछले 5 सालों के दौरान महायुक्ति ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में साथ साथ काम किया है। अब हम एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। ठाकरे, फडणवीस और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने सर्वसम्मति से गठबंधन का फैसला किया है। इस तरह महायुक्ति की घोषणा की जाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना ने सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी जताई हो। ये मुद्दा 2014 चुनाव के बाद से गरमाया हुआ है, लेकिन उसका ये सपना उस वक्त पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार सीएम की कुर्सी पर शिवसेना के आदित्य लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।